मेरे जो एफिलिएटेड मार्केटिंग का लिंक मैं देता हूँ, जहाँ से आप बुक बाई करते हो, जहाँ से बुक आप ऑर्डर करते हो, उस लिंक का इस्तेमाल करके किसी ने टाइटन ऑक्टेन की दो घड़ी खरीदी है, वॉच खरीदी है। कौन किसने खरीदी है, लेट मी नो, मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली घड़ियाँ जो है, वो घड़ी जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आपसे कुछ आपसे मुझे कुछ पूछना है, मुझे कुछ जानना है उस घड़ी के बारे में। बहुत खूबसूरत घड़ी है, पहली चीज़ ये। अगर आप मुझसे ना प्लीज़ 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 कॉन्टेक्ट मी। और दूसरी चीज़, व्हाट्सएप नंबर मैंने बंद कर दिया है देना। प्लीज़ अपने नंबर पोस्ट ना करें, व्हाट्सएप नंबर मैं नहीं देता हूँ। फेसबुक पे सिर्फ मैं हूँ, हाँ आप आ जाए। व्हाट्सएप नंबर मैंने देना बंद कर दिया है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने लगे थे, बहुत ज़्यादा जो शेड्यूल था वो हैक्टिक होने लगा था, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी, इसलिए व्हाट्सएप नंबर मैंने देना बंद कर दिया है। और क्यों, एक्चुअली हुआ क्या है, एक रात मैं सो रहा था, लगभग 1 या 1:15 बज रहे थे, किसी बंदे का फ़ोन आया, और लिटरली मैं बहुत गहरी नींद में था, फ़ोन वाइब्रेटिंग मोड पर था। मैंने उठाया और मैंने कहा हेलो, तो उधर से बंदे ने कहा सर कलिंग वॉर कब हुई थी। आई सेड व्हाट सर, कलिंग वॉर कब हुई थी। हमने कहा अबे तू रात में 1:30 बजे फोन करके ये पूछ रहा है कि कलिंग वॉर कब हुई थी। सॉरी ब्रदर, लेकिन आप थोड़ा देखो ना, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। आप 1:30 बजे रात में फ़ोन करके और कहते हो कलिंग वॉर कब हुई थी, हालांकि मैं बता दूँ लेकिन टाइम तो आप देखो ना। चलिए, तो थोड़ा सा ऐसे ही कुछ होने लगा था, तो इसलिए मैंने व्हाट्सएप नंबर मैंने देना ही बंद कर दिया है। इसलिए मैं कहता भी नहीं हूँ कि आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइए, ऐसा कुछ। अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो फेसबुक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, वहाँ प्लीज़ आ जाइए और प्लीज़ ज्वाइन वहाँ कर लीजिए मुझे। और बस ये 2-3 चीज़ें थी जो कहनी थी, मैंने कह दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO की जो वैकेंसी निकली है, उस स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। अगर बुक्स का आपने वो नहीं देखा है, अगर मेरा मैं बैंकर्स के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी होगी, उस पर मैंने वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे आप नीचे शो करके होगा ना, वहाँ क्लिक करिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लें। बेस्ट बुक कौन सी होंगी बैंक के लिए, मैंने वो सजेस्ट की है। उसके अलावा वही बात, मेरे फेसबुक पे आ जाइए, www.facebook.com/gahiyoutube पे, वहाँ मैं आपसे ज़रूर बातें कर सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमें अच्छा लगेगा, हमसे जुड़िए। और क्या, और कुछ कहने को तो है नहीं, बातें कुछ हैं लेकिन अब इतनी ज़्यादा बातें करेंगे तो स्ट्रेटेजी अब डिस्कस करेंगे। चलिए स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूँ। पहली चीज़, SBI जो है IBPS से अलग है, थोड़ा सा अलग है, पेपर का लेवल थोड़ा सा अलग है, और इनका जो PO का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है। इन सेंस मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, नॉट ईजी टू मॉडरेट। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मैं आपको डरा नहीं रहा, ठीक है। और प्री तो मैं आपका निकलवा दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ बस वैसा करिएगा, प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा। मेंस के लिए आप साईं बाबा के मंदिर जाइएगा, और वहाँ कुछ मजाक कर रहा हूँ, प्री मेरी तरफ से है, और मेंस आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि PO लेवल का है SBI, जो PO लेवल है थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर है। देखिए हम क्या यहाँ क्या क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। करने हम ये वाले हैं कि प्री में जो पिछले साल का कट ऑफ था 2015 का, 2016 का, उस पर डिस्कस करेंगे। पिछले साल जो प्री में जो क्वेश्चन आए थे उस पर डिस्कस करेंगे, और इन सब का एक समावेश बनाएंगे, एक 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 समीकरण बनाएंगे, और देखेंगे 2016 में क्या आपको मिल सकता है प्री में, ठीक, पहली चीज। दूसरा, प्री में जो इंग्लिश आएगी, क्वांट आएगी और रीजनिंग आएगी, कितना कितना टाइम आपको देना है हर सेक्शन के लिए, वो हम यार देखेंगे। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, 1 घंटा वो हवा कहाँ होगा आपको पता नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगा अभी तो मैं बैठा था और टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो उस टाइम के 1 घंटे के मैनेजमेंट को बहुत सही एक्सक्यूट करना, मतलब बहुत सही एग्जिट कर देना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप वहाँ बैठ के सोचेंगे कि मैं ये करूँ और वो छोड़ दूँ, ये रहने दे,
ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये मैं कर लेता हूँ, वाला कर लेता हूँ, ये कर, अगर ऐसा आप ये छोड़ोगे वो करोगे तो आपके पिताजी कहेंगे बेटा तू घर छोड़, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि प्लानिंग होनी चाहिए और एक सटीक प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी वजह से ही आपका प्री निकलेगा। क्योंकि प्री देखिए पेपर थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा, कट ऑफ 50 के ऊपर नहीं गई है, अब तक का इतिहास जो कह रहा है SBI का, 100 में से 50 नंबर के ऊपर नहीं गई है, 47 लास्ट ईयर गई थी, इससे ऊपर नहीं जाती है। तो आपको 100% नहीं करना है, पहली चीज़ 100% आपको नहीं देना, आपको सिर्फ 50% करना है, वो भी 99% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। ये टारगेट होना चाहिए, मुझे 80 नंबर नहीं लाना है, ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। क्योंकि 80 लाएंगे कट ऑफ 40 नंबर जाएगी, तो आप 40 नंबर आपका वो बेकार जाएगा, क्योंकि मेंस में आपका प्री का कोई नंबर नहीं जोड़ा जाता है, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो आप वही स्ट्रेटेजी बनाइए कि प्री को मैं क्वालिफाई करके कैसे आगे निकल जाऊँ, कि ये नहीं बनाना है कि मुझे 100 में से 90 मैं कैसे लाऊँ। 90 ला के आपका कोई कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा, आप मेंस में जाओगे जो 40 लाएगा वो भी मेंस में ही जाएगा। तो स्ट्रेटेजी आपकी क्लियर होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, आपको आपको अपने आप को समझ लेना है कि करना क्या है मुझे, मैं कैसे इस प्री को क्वालिफाई करके आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी मैं मेरी ये स्ट्रेटेजी नहीं होगी कि मैं 90 नंबर कैसे पा के आगे बढ़ूँ, ये चीज़ क्लियर है। चलो शुरू यहाँ से करते हैं, अच्छा यहाँ से नहीं करते, एक मिनट का काम करते हैं, पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, एक मिनट मैं आपको पहले पैटर्न बताता हूँ, ठीक है। चलो पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ SBI PO 2017। देखो पहले आप प्री में जाओगे, जो प्री होगा वो तकरीबन 100 क्वेश्चन आने हैं, उसमें 1 आवर का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है, ठीक है। इसका कोई मार्क्स आप आगे लेके नहीं जाओगे। फिर आपका मेंस में जाओगे, जो इसको क्वालिफाई करेंगे वो मेंस में जाएंगे, और मेंस जो है 200 मार्क्स का है, ये पेपर 3 आवर का है, ठीक है। इसके मार्क्स काउंट होंगे, मार्क्स इसके काउंट होंगे, ठीक है, इसके मार्क्स काउंट होंगे। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसको आगे आप लेके नहीं जाओगे। इसको क्वालिफाई किया, आप यहाँ आ गए, एग्ज़ाम आपका मेन जो शुरू होता है वो मेन से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मेन्स आप क्वालिफाई करोगे तो फेज़ 3 होगा, जो GD+PI होता है, तकरीबन इसके भी मार्क्स होते हैं, जो GD के मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स होते हैं, और PI के मार्क्स 30 होते हैं, मतलब 50 मार्क्स का ये खेल और है। तो 200 मार्क्स प्लस ये 50 मार्क्स, 250 मार्क्स आप की मेरिट बनेगी, ये 100 मार्क्स की मेरिट नहीं बनेगी। 100 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। ये सिंपल सा पैटर्न है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया, करना क्या है आपको, प्री सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेंस में जाना है, और मेंस में मार्क्स के लिए आपको लड़ना है, प्री में आपको मार्क्स के लिए नहीं लड़ना है, मार्क्स अपने आप से लड़ना है कि मैं कैसे क्वालिफाई एग्जाम को प्री को कर सक करके मेंस में जा सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है। चलो चलो अब ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं ये 2016 के हैं, ठीक है। 2016 में कट ऑफ क्या थी वो यहाँ आपको दिख रही है, 2016 का SBI PO का जो प्रीलिम्स हुआ था ये उसके आंकड़े हैं, ठीक है। देखो कट ऑफ 47 आउट ऑफ 100 क्या है, कुछ भी नहीं है, 50% भी कट ऑफ नहीं गई थी प्री की, ठीक है। तो क्या आपके 50 नंबर भी नहीं आ सकते 100 में, सोचने वाली बात है। पेपर का लेवल ज़रूर ऊपर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 50 100 के 100% टफ होता है, 50 से 60% पेपर इजी टू मॉडरेट होता है, कि आखिरी के 50% थोड़े से टफ होते हैं, 40% टफ होता है, 60% इजी टू मॉडरेट होता है। तो आपको क्या करता है शेर, क्या करता है शेर, जो करता है हिरन के जो झुंड होता है उसमें क्या, कहाँ वो कहाँ वार वार करता है, वो सबसे कमज़ोर वाले पे वार करता है। तो आपको क्या करना है, वही करना है कि जो आपकी वीकनेस है उसको प्लीज़ अभी शो नहीं करना है, जो आपकी स्ट्रांग पॉइंट है उन्हें और स्ट्रांग करके प्री क्वालिफाई कर जाना है। मेंस में लड़ाई होगी आपकी वीकनेस की, क्योंकि वहाँ पे आपको अपनी वीकनेस को स्ट्रांग पॉइंट बनाना है। प्री के लिए आपको इतना नहीं होना परेशान, क्योंकि ये पेपर ऐसा होगा कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे आप क्वालिफाई कर जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलो इंग्लिश में जो था वो 30 मार्क्स का आना है, वो सबको पता है, और देखिए कट ऑफ देखिए 6 मार्क्स सेक्शनल, हर हर सेक्शन की कट ऑफ होगी, हर सेक्शन आपको क्वालिफाई करना होगा, ये तो आपको बहुत भली बात ही आप जानते होंगे। जनरल कैंडिडेट का लगभग 9 मार्क्स, अबाउट 9 मार्क्स आप कर लो। रीजनिंग जो है वो 35 मार्क्स की होगी, और 4.25, सोचिए एक अगर एक पज़ल भी आपकी सही से बैठ जाती है 5 मार्क्स की, 5 पे 5 मिल जाता है, तो कम से कम आपका क्या होगा,
आपका सेक्शन क्वालिफाई हो रहा है, क्या आप एक पज़ल भी ठीक से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बस क्या होता है कि आप इतना ज़्यादा वहाँ परेशान हो जाते हो कि कुछ भी सही नहीं बैठ रहा होता आपका। जनरल के लिए 7 नंबर थे, रीजनिंग कट ऑफ। क्वांट 35 मार्क्स का आएगा, 4.25 कट ऑफ थी, और 7.25 जनरल की थी। ये लास्ट ईयर 2016 की कट ऑफ है, ठीक है। अब टोटल आपको लाना है लगभग 50, OBC के लाना है 44, SC के लिए 38, ST के लिए 29, विजुअली हैंडीकैप इतना है, ऑर्थो का हैंडीकैप 36 है, बाकी आप देख लो। देखो कुछ चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। कोई आपसे ये कहता है कि कट ऑफ ये रहेगी वो रहेगी, तो या तो आप बेवकूफ़ हैं या तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। कट ऑफ ये स्टेबल रहेगी, यही रहेगी, ऐसे कम या ऊपर होगी, ये अभी हम नहीं कह सकते जब तक हम पहला पेपर देख ना लें। प्री का पहला पेपर जब तक हो ना जाए, पहली शिफ्ट का पहला पेपर देखने के बाद ही डिस्कस किया जा सकता है कि कट ऑफ क्या होगी, ठीक है। कट ऑफ का भी ऐसा नहीं कोई हवा में तीर मारते हैं लोग कि ये कट ऑफ होगी, ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ का डिस्कस करने का सबसे सबसे सटीक और सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो यही होता है कि पेपर का लेवल देखा जाता है, कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर ईजी आई है कट ऑफ नेचुरल सी बात है बहुत ऊपर जाएगी, अगर पेपर टफ आया है तो कट ऑफ कहीं ना कहीं वो लो जाएगी, ये पेपर के लेवल से पता चलता है। ये पिछले साल की कट ऑफ है क्योंकि पेपर जो पिछले साल का था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, ठीक है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर का जो लेवल था वो था, इस वजह से कट ऑफ उतनी ऊपर नहीं जा पाई है। जो इस बार की कट ऑफ है वो 29 अप्रैल को जो पहला प्री होगा, ठीक है, उस दिन पता चल पाएगा कि 30 और 6 और 7 मई को क्या होना है। 29 अप्रैल को जो पहला प्रीलिम्स होगा, जो पहला पेपर होगा, उस दिन पता पल चल चल पाएगा कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है और कट ऑफ क्या जा सकती है। अगर पेपर यही लेवल यही रहा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा, तो कट ऑफ समझ लीजिए 50 के आसपास आपकी जाएगी, इससे ऊपर नहीं जानी है, ठीक है। अगर पेपर थोड़ा सा आसान आ गया तो कहीं ना कहीं 55 और 60 भी जा सकती है। देखिए कट ऑफ का तो क्या है कि अभी आपने देखा ना IBPS का जो हुआ है, क्या मतलब कट ऑफ थी कि मजाक था, कोई समझ ही नहीं पाया। 80 में से 70 नंबर कट ऑफ जाती है, मतलब 90% कट ऑफ जा रही है प्रीलिम्स की या मेंस की। आप सोचिए सोचिए क्या मतलब क्या लेवल हो गया है पढ़ने का और क्या लेवल आपको क्रॉस करना है। तो कहीं ना कहीं आपको कमर कसनी है, आपको ये तैयार रहना है कि अगर ऐसा होगा तो मुझे कैसा करना है, कैसा परफॉर्म करना है, ठीक है। ये पिछले साल की कट ऑफ थी जो मैंने आपको दिखाई है। ये पेपर जो पिछले साल का था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इसलिए कट ऑफ इतनी लो है। अगर मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर आता है तो प्री की कट ऑफ मान के चलिए जो सेशन कट ऑफ कुछ इसी के आसपास होगी, और जो टोटल कट ऑफ होगी वो यही होगी। देखिए सेशन कट ऑफ होगी, हर सेशन आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके अलावा एक मेंस टोटल भी कट ऑफ निकाली जाती है, उसको भी क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, कट ऑफ को लेकर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब चलो देखते हैं आपके सेक्शन में क्या क्या पिछले साल आया था और क्या क्या आ सकता है, एक एक सब्जेक्ट का सब यहाँ डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं पहले इंग्लिश से। देखो इंग्लिश सेक्शन जो है वो क्या है कि कुछ लोगों को टफ लगता है, जो रूरल एरिया से या इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं, जो हिंदी मीडियम से, उनको थोड़ा सा टफ लगता है। तो उसके लिए मैंने बुक्स रिफ़र की हैं, प्लीज़ वो जो बुक रिफ़र की है वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और वहाँ से जो बेस्ट बुक है आपके लिए इंग्लिश की, प्लीज़ डू बाई इट, और उसको बाई कर लें और प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस पे अपने आप पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी और आप उतना ज़्यादा ओवरकम कर पाएंगे उस चीज़ों पर। 2016 का ये प्रीलिम्स का जो आया था प्री में इंग्लिश सेक्शन, वो आया था 10 नंबर का RC आया था, सेंटेंस कंप्लीटेशन आया था 5 नंबर का, पैराजम्बल आया था, सेंटेंस करेक्शन आया था, क्लॉज टेस्ट, ये 2016 में ये आया था। और जो प्री में जो एक बार आया था, जो मेरे ख्याल से 2 जुलाई को पेपर हुआ था लास्ट ईयर 2016 में, तो उसके बाद जो पेपर हुए हैं सब में यही पैटर्न आया है, पैटर्न उन्होंने चेंज नहीं किया था SBI ने सब में। तो अगर वही कोई कह रहा है कि रीडिंग कॉम्पिटिशन 10 नंबर का आएगा, तो वो एक तरह से वो प्रिडिक्शन कर रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का आएगा या पैरा जंबल 5 नंबर का। क्या तो क्या होता है इस बार पैरा जंबल 10 नंबर का आ जाए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 नंबर का हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और आप देखो करना क्या है आपको इस सेक्शन में, देखो पहले तो क्लॉज टेस्ट जो होता है वो इजी आता है, उतना टफ नहीं आता, तो इसको अटेम्प्ट करना, इसको मत छोड़ना, इसको जरूर करना। और सेंटेंस करेक्शन जब भी आप कर सकते हो, जब ज़्यादा ज़्यादा आप ग्रामर पे अपने कमांड कर पाओ, और ज़्यादा ज़्यादा ग्रामर पे कमांड कब कर पाओगे, जब ज़्यादा ज़्यादा करेक्शन स्पॉट एरर करोगे, ठीक है। तो ये स्पॉट एरर जितने ज़्यादा ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं प्लीज़ उसको करिए। पैरा जंबल ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, ठीक है,
क्यों अवॉइड करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्ट आ जाता है, आप इसमें ये टाइम टेकिंग है। पैराजंबल जो है अगर इजी आया है तो आप ज़रूर कर लेना, अगर देखो इजी आएगा और तो आपको आराम से आप कर लोगे, लेकिन मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ गया तो आप चाहे जितना उसको पढ़ते रहो अरेंज नहीं हो पाता, और वो कहीं ना कहीं लगता है अब अरेंज हो गया, अब अरेंज हो गया, अब अरेंज हो गया, उसमें अब में करने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सिर्फ इस सेक्शन को 10 से 15 मिनट आपको देना है, ठीक है, इससे ज़्यादा आप दोगे तो कहीं ना कहीं आप और जो सेक्शन है उनमें जाके आपको प्रॉब्लम होगी। तो 10 से 15 मिनट देना है, और 10 से 15 मिनट में आपका क्या करूँगा आप देखो, 2 से 3 मिनट ये लेगा सिर्फ क्लॉज, 2 से 3 मिनट, हार्डली 2 से 3 मिनट आपका ये क्लॉज लेगा। सेंटेंस 5 सेंटेंस होंगे, जल्दी जल्दी पढ़ना है और एरर स्पॉट करना है, एरर कहाँ पे है। अगर आप ग्रामर अच्छा से आपने कर रखा होगा, आप ग्रामर पे कमांड होगा, जितना ज़्यादा करेक्शन स्पॉट एरर कर सकें उतना आपके लिए एडवांटेज होगा। ये भी हार्डली 2 मिनट लेगा, ठीक है, 5 सेंटेंस पढ़ना, 2 मिनट, जो भी लगता है आपको स्पॉट जहाँ पे है गलती है वहाँ करिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है प्लीज़ तुग्गाफिकेशन ना करें, ठीक है, प्लीज़ तुग्गाफिकेशन ना करें कि ये हो सकता है वो हो सकता है। देखिए हमने पहले भी क्या कहा, अभी हमने एक्यूरेसी की बात की थी ना, तो एक्यूरेसी मेंटेन करने का यही तरीका है कि आप अंदाजे या गेस वर्क वहाँ ना करें। गेस वर्क है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिल्कुल आप 70 क्वेश्चन करके आते हैं जिसमें से आपके 20 गलत हो जाते हैं तो आप 50 पे आ जाते हो, क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप 50 में से 20 नेगेटिव मार्किंग जाएगी, 4 मार्क्स और डिडक्ट हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं 70 करने से, क्या पता जब आपकी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं। आप 60 करके आओ, 60 क्वेश्चन करके आओ, या चलिए 55 भी करके आओ, लेकिन 99% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, इस हिसाब से। कि मैंने अभी कहा ना आपसे, क्या कहा मैंने, आपको 90 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको 60 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। तो जो गैसफिकेशन है वो प्लीज़ उसको अवॉइड करें। पैराजंबल अगर सिंपल होगा तो आपको पढ़ते समझ में आ जाएगा, ये अरेंज हो जाएगा, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा प्लीज़ टाइम खराब ना करें। सेंटेंस कंप्लीटेशन मतलब फिल इन द ब्लैंक जो होते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करो या उसको, तो वो इजी टू मॉडरेट आएगा। इसमें से आपको क्या होगा, आपको 2 इजी ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, 5 होंगे, 3 थोड़ा सा टफ होंगे, लेकिन 2 इजी इसमें ज़रूर होते हैं। देखिए बैंक ने क्या किया है, बैंक ने पूरा पोर्शन ईजी या टफ नहीं बनाया, वो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया है कि अगर 5 सेंटेंस दिए हैं तो 2 सेंटेंस आपको ईजी देंगे और 3 सेंटेंस डिफिकल्ट देंगे, वो उसी में कुछ मिक्स करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 सेंटेंस आपको ईजी मिलेंगे, प्लीज़ उसको डिटेक्ट कर लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। आरसी की जहाँ तक बात है, एक आरसी आएगी या 2 आरसी आएगी, अमूमन एक ही आरसी आती है 10 मार्क्स की, और इसमें भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे एंटोनिम सिनोनिम्स होंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, वो इजी होते हैं, उन्हें डिटेक्ट करिए, प्लीज़ उन्हें कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत इजी होंगे। उसके लिए आपको आरसी पूरी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन सेंटेंस इतने वर्ड मीनिंग एंटोनिम सिनोनिम्स जो होंगे वो बहुत ईजी होंगे, कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे, उसको आप आराम से कर सकते हो विदाउट रीडिंग आरसी, ठीक है। सेक्शन को हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा आपकी नज़र होनी चाहिए कहाँ, एक कागज़ पे, कलम पे, दूसरी आपके क्वेश्चन पे, ठीक है, कि आपको कितना टाइम किसको देना है ये आपके माइंड में हमेशा चलते रहना चाहिए, कि कहीं आप आरसी में फंस रहे हैं या आरसी आपसे नहीं निकल रही है, या पैराजंबल में फंस रहे हैं, या क्लॉज टेस्ट थोड़ा सा अरेंज करने में टाइम लग रहा है, प्लीज़ अवॉइड करें, आगे बढ़ें, प्लीज़ अवॉइड करें। देखिए कट ऑफ जो जाएगी वो 6 से 8 मार्क्स लास्ट ईयर थी, इस बार भी 8 से 10 के आसपास ही रहेगी, ठीक है। तो 8 से 10 मार्क्स पहला आपका टारगेट होगा कि 8 से 10 मार्क्स निकालना, वो सेक्शन कट ऑफ को निकालना सबसे पहला टारगेट आपका क्या होगा, सेक्शन कट ऑफ को निकालना, ठीक। उसके बाद आपको टोटल के बारे में सोचना है। तो सेक्शन कट ऑफ कहाँ से निकलेगा, वो क्लॉज टेस्ट जो है आपका, और ये सेंटेंस करेक्शन है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स जो होगा, ठीक है, इन तीनों से आप कर लोगे 15 मार्क्स से, 15 मार्क्स से आराम से आप 7 से 8 मार्क्स निकाल लोगे, ठीक है। आरसी जो मैंने बताया है, प्लीज़ अगर टाइम है तो पूरी आरसी पढ़िएगा, वरना आरसी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये जो होंगे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको आप क्या करना है आपको इसके इंग्लिश सेक्शन के लिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें इंग्लिश सेक्शन में, जितनी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का खेल है, प्लीज़ 10 से 15 मिनट में ही आप इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि इंग्लिश सेक्शन लेके बैठ गए हैं और आधे घंटे तक उसे इंग्लिश सेक्शन ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आप टाइम मैनेजमेंट को साथ लेके चलेंगे। प्री जो खेल है सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का खेल है, पेपर उतना टफ नहीं होगा। टफ कौन बनाता है पता है आपको, टफ वो क्लॉक जो चल रही होती है वो आपको बनाती है, कि आपको लगता है क्लॉक बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज टाइम गुजर रहा है, आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते जाते हो। पेपर उतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता जितना आपका क्लॉक फ्रस्ट्रेट करता है, आपका टाइम मैनेजमेंट आपको फ्रस्ट्रेट करता है। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट अगर सही होगा तो सब कुछ सही से एग्जीक्यूट होगा। तो टाइम मैनेजमेंट पर काम करिए, ना कि आपको इंग्लिश पर काम करना, आपको टाइम मैनेजमेंट काम करना है। आपको ये देखना है कि आप 15 मिनट में कितने मार्क्स निकाल ले रहे हो इंग्लिश सेक्शन से, ठीक है। चलो
रीजनिंग की बात करेंगे। देखिए रीजनिंग का जो है, रीजनिंग का कुछ पिछले 2 साल में कहीं ना कहीं रीजनिंग सेशन में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फेल होने लगे हैं, सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल पा रहा है। जी हाँ, ये गौर किया गया। पहले रीजनिंग इतनी टफ नहीं थी, रीजनिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड लोगों के लिए नहीं थी, लेकिन पिछले साल SBI हुआ है या IBPS हुआ है, उसमें यही देखा गया है मैक्सिमम स्टूडेंट जो कहाँ फेल हो रहे हैं वो रीजनिंग में फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इसको इतना आसान मान ले रहे हैं और वहाँ जाके वो फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं कि रीजनिंग तो मेरा हो जाएगा। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग को उन्होंने भी अपना जो आप समझ रहे हो, आप रीजनिंग हो जाएगा तो वो भी समझ रहे हैं कि रीजनिंग बेटा तुम कर लो, कैसे कर लोगे। देखो क्यों, क्योंकि देख रहे हैं 20 नंबर की पजल आनी है, ये समझिए। अरेंजमेंट, रॉ अरेंजमेंट, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने बढ़ा दिए हैं। और ये क्या है, ये टाइम मैनेजमेंट का खेल है। इस टाइम बहुत लेता है। अगर सिटिंग अरेंजमेंट करें या सर्कुलर अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट बैठा दें, या रॉ में या रो में बैठा दें, या वो ब्लॉक वाले होते हैं ऊपर पहले फ्लोर पे, फ्लोर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि विदाउट रीडिंग दैट पैसेज आप अरेंज कर ही नहीं सकते। और अब अगर आप वो पैसेज रीड करोगे तो 3 से 4 मिनट तो मिनिमम आपका जाना है। अगर आप 4 पैसेज ऐसे रीड करते हो तो 20 मिनट तो आपके ऐसे ही निकल गए, ठीक है, 20 मिनट तो ऐसे निकल गए, आप सॉल्व कब करोगे? ठीक है, तो वो भी कम खिलाड़ी नहीं है, वो भी बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं खेल कहाँ से खेलना है। आपको ये दे देंगे, ठीक है, आप पढ़ते रहो, अरेंज करते रहो, जहाँ 2 अरेंज हुए आपको पता चला आपका टाइम खत्म हो गया। तो आपको ही स्मार्ट खेलना है, आपको भी अपना गेम खेलना है। कैसे खेल सकते हैं? देखो ये जो 4 आएंगे ना, ये 20 नंबर के 4 जो अरेंजमेंट वाले आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट या सर्कुलर अरेंजमेंट या रॉ या डायरेक्शन वाले या डिपार्टमेंट वाले या फ्लोर वाले जो आते हैं, इन पे स्मार्टली काम करना है। कैसे? आप शुरू की 2 लाइनें पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा ये आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिटिंग अरेंजमेंट का देखा जाए, लोग एक ही तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं तो ये इजी है। अगर बोथ साइड मुंह करके बैठे हैं तो ये टफ है। और ये करना क्या, आपको तुरंत छोड़ के आगे भाग जाना है, करना ही नहीं है आपको। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो 4 पजल होंगी ये चारों चारों टफ नहीं होंगी, 2 टफ होंगी, 2 इजी होंगी। तो आपको क्या करना है, इजी वाली डिटेक्ट कर लेना है, ठीक, इजी वाली पहचान लेना, उसको वहाँ सॉल्व करना, उस पर टाइम खराब करना, ना कि डिफिकल्ट वाली टाइम खराब करेंगे और आपको पजल निकलेगी भी नहीं और आपका टाइम भी खराब होगा और आप सेक्शन भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो करना क्या है, ये पोर्शन जो आता है ना इक्वेलिटीज का, ये बहुत आसान होता है, ठीक है, इस पे कमांड करो, ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। सबसे इजी अगर रीजनिंग में कुछ होता है, मुझे लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इनक्वालिटीज मुझे बहुत आसान लगती है, पता नहीं क्यों, इस पे 5 में से आप 4 मार्क्स आराम से निकाल लोगे, आराम से, क्योंकि इनक्वालिटीज जो मॉडरेट यहाँ दिखा हुआ, मॉडरेट लेवल की आएगी नहीं। 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे, 1 से 2 क्वेश्चन वो थोड़े टफ होंगे, दो से तीन जो क्वेश्चन आसान होंगे इनक्वालिटीज के, वो आराम से निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 5 से 4 मार्क्स आप जब यहाँ से गेन करोगे ना, तो आपका सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो गया है। 4 मार्क्स जाना है, 4 से 5 मार्क्स सेक्शन कट ऑफ जाता है SC ST OBC के लिए, जनरल के लिए लगभग 6 से 7 जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पहले आपको मैंने क्या कहा, सेक्शन कट ऑफ पे आपको ध्यान देना कि मेरा सेक्शन कट ऑफ कहाँ से निकल सकता है। तो इनक्वालिटीज एक ऐसी चीज़ है जहाँ से निकल सकता है, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे सेलिज्म नहीं दिख रहा है, इनपुट आउटपुट मशीन नहीं दिख रहा है, वो 2 नहीं आया था। पहली बात तो इनपुट आउटपुट मशीन प्री में नहीं आता है, पहली चीज़ आप याद रखिए, इनपुट आउटपुट मशीन जो होता है वो क्वेश्चन उसके प्री में नहीं आते, वो मेंस में ही आते हैं। दूसरा सेलिज्म की बात है, सेलिज्म पिछले साल नहीं आया था, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस साल भी प्री में नहीं आएगा, ये कभी मत रख करिएगा। इनक्वालिटीज आएगा या सेलिज्म, दोनों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इनक्वालिटीज अगर देंगे तो सेलिज्म नहीं देंगे, सेलिज्म देंगे तो इनक्वालिटीज नहीं देंगे, और ये दोनों चीज़ें बहुत आसान होती हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, 4 से 5 क्वेश्चन में से 4 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो, इसीलिए दिया जाता है। इनक्वालिटीज और सेलिज्म में दोनों में ऑप्शन होगा, क्योंकि 20 से 20 नंबर की पजल तो आपको मिलनी ही मिलनी है,
देखो मैथ में जो है वो डीआई पे फोकस करते हैं, और रीजनिंग एबिलिटीज में वो पजल पे फोकस करते हैं एसबीआई की बात करूँ तो। कहीं ना कहीं आपको पजल के क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा 20 से 25 मार्क्स के मिलेंगे। उसके अलावा 10 मार्क्स बचता है तो कहीं ना कहीं 5 मार्क्स जो वो डिवाइड करेंगे वो इनक्वालिटीज और सेलिज्म में डिवाइड करेंगे। सेलिज्म आएगा तो इनक्वालिटीज नहीं आएगी, इनक्वालिटीज आएगी तो सेलिज्म नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पत्थर की लगी पेपर मैंने बनाया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखिए क्योंकि इनक्वालिटीज और सेलिज्म दोनों एक ही लेवल के होते हैं, दोनों का लेवल जो होता है एक ही होता है, तो कोई वो कोशिश करता है एग्जामिनर कि कोई एक दे, ठीक है। लेकिन मेंस में आएगा, मेंस में मशीन इनपुट आउटपुट और सेलिज्म इनक्वालिटी सब आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मार्क्स का आपके पास होते हैं। देखो इनक्वालिटीज करनी है और इन चार पजल में से कोई दो से तीन पजल करनी है बस, और कुछ नहीं करना आपको, ये नहीं करना है, ये टाइम टेकिंग है। ये अगर कर लेंगे टाइम डायरेक्शन और ब्लड डिसीजन में करने लगेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ब्लड डिसीजन में अगर तीन क्वेश्चन आए हैं तो एक क्वेश्चन उसमें से आसान होता है, डायरेक्शन में दो क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन आसान होगा। अगर आपको टाइम बचता है तो डिटेक्ट करिए, अदरवाइज आप क्या करिए इनक्वालिटीज का 5 से 5 सही करने की कोशिश करिए। उसके बाद जो पजल है, चार पजल हैं, इन चार पजल में से कोई भी दो से तीन पजल सही से बिठाइए, ठीक है। आराम से आपके उसे 15 से 18 मार्क्स आराम से आप इस सेक्शन से गेन कर लेंगे अगर इस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, ठीक है। सेक्शन कट ऑफ तो आपका इनक्वालिटीज करते या सेलिज्म करते ही निकल जाएगा, 4 से 5 मार्क्स आपके वहीं निकल जाएंगे, मतलब सेक्शन कट ऑफ आपका क्लियर हो रहा है। बाकी तो आपको रखना क्या है, पजल पे देखना है कि डिफिकल्ट लेवल की आसान लेवल की कौन सी पजल आपके लिए सही है, ठीक है, उस पर काम करिए। और पजल के लिए मैंने एक बुक सजेस्ट की थी बीएससी पब्लिकेशन की, पजल पे अगर आपने मेरा बुक साइन वाला वीडियो नहीं देखा उसमें देखिए, उसमें मैंने सजेस्ट किया हुआ है पजल्स पे है, क्या बुक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बीएससी पब्लिकेशन की पजल्स की आती है, प्लीज़ वो ले लें, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एसबीआई के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एसबीआई में सबसे ज़्यादा ज़्यादा वो पजल ही पूछने लगे हैं, तो उस पर काम करें, ठीक है। देखिए आपको काम किस पे करना है, जो ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो कम पूछा रहा है उस पर काम नहीं करेंगे। अगर कोई 5 नंबर का पूछा जा रहा है, आप दिन भर उसी 5 नंबर के लिए लगे रहें, उससे बजाय आप वो 35 35 में से 30 नंबर पर लगें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 30 में से अगर उस पर लगेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा नंबर गेंगे, उस 5 पे टाइम ना खराब करें। जहां आपको लगता है कि आप ज्यादा गेन कर सकते हैं प्लीज उस पे टाइम ज्यादा वेस्ट करें, बजाय कि आपको लगता है यहां काम। तो पजल यहां पे मूल मंत्र है, रीजनिंग को निकालने का सबसे आसान तरीका है कि पजल को आप जितनी ज्यादा पजल्स आप सॉल्व कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि वही एग्जाम आपका क्रैक कर सकती है अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ का जो आपको देखिए मैथ में भी उन्होंने क्या किया है, डीआई पे ज्यादा फोकस करते हैं वो, ठीक है। देखिए डीआई जो आनी है डाटा इंटरप्रिटेशन, वो मेंस में सिर्फ डीआई ही आनी है, प्री में तो सब आएगा लेकिन मेंस में जो है सिर्फ डीआई आएगी, ये तो आपको पता होगा इतना। देखो करना क्या है, ये पिछले साल 2016 में जो आया था प्री का वहां से उठाया है मैंने, तो देखते हैं हम क्या क्या मिल सकता है हमको यहाँ पे। नंबर सीरीज, ये नंबर सीरीज में से 2 से 3 जो होंगे वो ईजी होंगे, बाकी 1 से 2 जो होगा वो टफ होगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन 5 मार्क्स का इजी होगा, प्लीज इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि 10 मार्क्स का ये आपका निकालेगा क्या, कट ऑफ, ठीक है, यही कट ऑफ निकालेगा। सिर्फ सेक्शन कट ऑफ जहाँ निकलेगी वो किससे निकलेगी, नंबर सीरीज से और सिंप्लीफिकेशन। कंपेरिजन वेरिएबल क्या, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, ये तीन जो सेक्शन है ना ये ईजी आएगा, और कहीं ना कहीं यही आपसे आपका सारा इम्तिहान है कि इस 15 मार्क्स में से कहीं ना कहीं आप 12 मार्क्स निकाल लें, ठीक है। 12 मार्क्स निकलते हैं आपका, आपका सेक्शन क्वालिफाई है, ठीक है, ये है मूल मंत्र, सेक्शन कैसे क्वालिफाई होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी डीआई जो होगी 2 आएगी, अब डीआई में क्या करने लगे हैं, डीआई पूरी आसान या टफ नहीं आती, डीआई में क्या करते हैं वो 5 क्वेश्चन में से कोई भी 2 से 3 क्वेश्चन ईजी बनाते हैं और 2 क्वेश्चन आपको उलझाने के लिए टफ बनाते हैं, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सेक्शन आप मत देखिएगा, अर्थमेटिक का जो सेक्शन है, टाइमर, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, सीआई और एसआई, परसेंटेज रेशियो, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और हर क्वेश्चन आपका करने लोगों से 1 मिनट तो आपका जाना है, तो कहीं ना 15 क्वेश्चन करने के लिए आपको 15 मिनट देने पड़ेंगे। उससे अच्छा ये है कि आप इस तकरीबन इस 25 मार्क्स पर अटैक करें, और 25 मार्क्स से आप कहीं ना कहीं 18 से 20 मार्क्स निकाल सकते हैं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, आराम से निकलेगा। 3 सेक्शन करेंगे आप आराम से 12 मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स निकाल सकते हैं, ये मेरा, क्योंकि यही सेक्शन है पूरे मैथ में जो इजी मिलने वाला है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व कर सकें प्लीज़ करें, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। सिंप्लीफिकेशन आप आराम से थोड़ा बहुत, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को 20 20 मिनट देना है, और 10 मिनट आपको किसको देना है, इंग्लिश को। अब आप देखो
20 मिनट इसको दोगे, 20 मिनट इसको दोगे, 10 मिनट इसको दोगे, कितना हुआ ये 50 मिनट, 10 मिनट अभी भी आपके हाथ में, क्या करना है आगे हम बताते हैं अभी। चलो ये चीज़ मत छोड़ना, क्योंकि ये चीज़ दी ही इसलिए जाती है कि आपका सेक्शन क्वालिफाई कैसे हो। बाकी DI के लिए मैंने अलग से बुक सजेस्ट की है, BSc या पब्लिकेशन की है, दो तीन अरिहंत की भी है मैंने, प्लीज़ वो बुक अलग देख लीजिएगा। DI पे ज़्यादा ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि मेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ DI ही मिलने वाला है। तो DI में भी अगर प्रीम अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ DI जो टेबल या बार ग्राफ या पाई चार्ट कुछ भी आएगा उसमें से 2 या 3 DI के जो क्वेश्चन होंगे वो आसान होंगे, और 2 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। ऐसे बनाने लगे हैं वो, स्प्लिट करते हैं, हर पूरा DI आपको आसान नहीं मिलेगा, पूरा बार ग्राफ या पूरा टेबल का या पाई चार्ट आपको आसान नहीं मिलेगा, उसमें से पार्ट जो होंगे वो कुछ आसान मिलेंगे, जिसमें आपसे एवरेज पूछ लिया गया होगा, जिससे आपसे परसेंटेज पूछ लिया गया होगा, जिससे आपका कुछ भी वो पूछ सकते हैं, अर्थमेटिक से रिलेटेड कुछ भी आ जाता है उससे वो पूछ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आसान होती हैं, तो प्लीज़ वहाँ नज़र ज़रूर करें। पहले 15 मार्क्स के ये अटेंड करना है, और एक्यूरेसी के साथ कि 12 मार्क्स आप यहाँ से निकाल लें, बाकी 10 मार्क्स में से आप 5 मार्क्स आराम से निकाल लोगे, 17 से 18 मार्क्स आप आराम से इसमें गेन कर सकते हो, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेक्शन आपको छोड़ना है, क्योंकि ये सेक्शन मेंस में भी नहीं मिलेगा आपको, ये जो है अर्थमेटिक का ये मेंस में नहीं जाना है, मेंस में सिर्फ DI आनी है। तो यहाँ आप इसको टाइम वर्क पार्टनरशिप CI परसेंटेज ये सब अवॉइड कर सकते हो, अगर हम SBI की बात करें तो। ठीक है, चलो चलो अगर हम ओवरऑल एनालिसिस की बात कर लें, तो हम जो कह रहे हैं उस हिसाब से अगर इंग्लिश आप करोगे, देखो इंग्लिश आपको 10 से 15 मिनट देना है, 10 मिनट देना मैक्सिमम, 10 मिनट, 15 मिनट भी नहीं देना है। क्वांट के लिए आपको 20 मिनट देना है, रीजनिंग के लिए आपको 20 मिनट देना है, ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट है। और कहीं ना कहीं इससे आप जो अगर पेपर इस लेवल का होगा, मॉडरेट भी होगा, मॉडरेट डिफिकल्ट होगा, तो आप आराम से इतना गेन 18 17 18 मार्क्स गेन कर सकते हो, क्वांट से भी 20 मार्क्स के आसपास गेन कर सकते हो, इंग्लिश में आपको 15 17 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। टाइम का जो टाइम है वो ये है, इसको अगर ऐड करें तो 50 मिनट होता है। अब ये 10 मिनट क्या करना है आपको, ये 10 मिनट जो होंगे ना इन पे आपको टोटल पे कमांड करना है, मतलब आपके टोटल मार्क्स कैसे और ज़्यादा गेन कर सके, वो 10 मिनट आपको वापस लेके जाना है। और इन तीनों सेक्शन में जो आपका बेस्ट सेक्शन है, जो लगता है जहाँ पर आप ज़्यादा गेन कर सकते हो, उसमें ले जाके ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है क्वांट में आप ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, तो उसमें जाके 10 मिनट ऐड कर दो, 30 मिनट दो, लेकिन 30 मिनट अगर आपने दिए हैं तो इसमें 25 मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है। अगर रीजनिंग को आपने अगर 20 मिनट आपने दिए, बाद में 10 मिनट में लेकर आपने ऐड किया है, इसको 30 मिनट दे दिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी 25 से 30 मार्क्स आने चाहिए। इस हिसाब से आप ऐड करना, वो 10 मिनट किसको देना है। इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप इंग्लिश को दे दो, ऐसा कोई नहीं है कि इंग्लिश में आपका दे रहे हो तो 25 मार्क्स आप निकाल के वहाँ से ले जाओ, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी है पूरी, और इसको एक्सिक्यूट करने का सबसे सही तरीका क्या है मैं बताता हूँ। रीजनिंग जितनी ज़्यादा ज़्यादा पजल आपको सॉल्व कर सकते हो आप करो, ठीक है, जितनी ज़्यादा पजल आप सॉल्व कर सकते हो उतना करो, क्योंकि पजल ही एक ऐसी चीज़ है। सेलिज्म और सेलिज्म हो गया या तो आपका इनक्वालिटीज हो गया, ये आसान आएगी, ज़्यादा टफ नहीं आएगी, इस पर थोड़ा सा काम कर लेना, लेकिन पजल पे पूरा काम करना है। मैथ की बात करें तो मैथ में सबसे ज़्यादा कहाँ काम है, अपनी कैलकुलेशन पे काम करो, लेंदी कैलकुलेशन मत करो, लेंदी कैलकुलेशन को अवॉइड करो, कैसे सिंप्लीफाई करके आप कैलकुलेशन अपनी छोटी रख सकते हो। उस दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप DI जितनी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो, DI सॉल्व करो, रीजनिंग में पजल, क्वांट में DI, सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करो, DI पे और रीजनिंग में पजल पे। इंग्लिश में आपको क्या करना है, RC पे फोकस करना है, क्योंकि वो 10 नंबर की RC आप प्री में तो नहीं करोगे, लेकिन मेंस में आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में क्या करना है, आपको स्पॉट अटैम्प्ट सबसे ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व करना है, पैरा जंबल में थोड़ा उतना उलझना नहीं है, लेकिन लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स और इन सब पे, ग्रामर पे, स्पॉट एरर पे, इन पे काम करना है। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर जितना लगा पाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये पूरा समावेश है, ये पूरा कंक्लूजन है, इन सबको अपने दिमाग में रखिए। और प्री में सबसे पहले आपको अटैक करना है अपने सेशनल कट ऑफ पे। सेक्शन कट ऑफ कैसे निकलेगा, सेक्शन कट ऑफ निकालने के लिए मैंने जहाँ जहाँ बताया है वहाँ वहाँ फोकस करिए। सेक्शन कट ऑफ जैसे निकलेगा वैसे आपको कॉन्फिडेंस बनेगा, कॉन्फिडेंस बनते ही आप अच्छा खासा उस सेक्शन कट ऑफ को डबल कर पाओगे, ठीक है। चलो ये पूरा एनालिसिस है, प्री निकालने का पूरा सही तरीका, आपको कहाँ कहाँ किस पे कहाँ आपको हथौड़ा मारना है, कहाँ आपको ज़्यादा अपना टू द पॉइंट पढ़ना है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। प्लीज़ बुक्स के लिए आप नीचे, बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज करती हैं, बुक आपका सब कुछ है। अगर बुक नहीं है, अच्छी बुक नहीं आपके पास, तो एक अच्छा मार्क्स आप गेन करने के लिए नहीं एलिजिबल हैं, फेल हो जाएंगे वहाँ पे। पजल्स के लिए, DI के लिए और RC के लिए, सबके लिए हमने बुक सजेस्ट की है, प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। और बुक्स अच्छी लें और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व कर सकें करें, ठीक
ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।